Hey, hi everyone, welcome back to my channel, guys. Those who are new, hi, my name is वृंदा and मेरे channel का नाम है वृंदा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तो guys, आज की video में एक new product पे बना रही हूँ जो मेरा last week में ही आया है. तो मैं since 1 week ये product use कर रही हूँ, मेरे को बहुत ही पसंद आया. एज मेरी स्किन भी बहुत ही सेंसिटिव है तो मैं यू नो हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ मेरी स्किन पे. तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है जो मैंने लास्ट वीक में ऑर्डर करा था. तो ये कोई और ब्रांड नहीं है, ये मदर्स पर्च का है. आप लोग देख सकते हैं, ये मदर्स पर्च ब्रांड है जो मैं इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं 1 week से यूज़ कर रही हूँ. तो गाइज, ये मेरा फेस वॉश और इसके साथ मॉइस्चराइज़र आया है. तो मेरे को ऑयल, मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे यू नो स्टिकी ग्रीसी मॉइस्चराइजर्स सूट नहीं करते मेरी स्किन को. तो जल्दी बहुत ही जल्दी पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स स्किप करती हूँ. तो इनका मैंने रिव्यूज़ चेक करा था तो मेरे को बहुत ही पसंद आया तो मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर करा है. तो मैंने स्किन क्राफ्ट अभी ऑलरेडी स्टॉप कर चुकी हूँ मैं. तो मैं इस ये ब्रांड ट्राई कर रही हूँ. तो ये कंप्लीट नेचुरल है, ठीक है. तो मैं आपको इसकी पैकिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ मैं. तो अभी चलिए देखते हैं ओपन करके कैसा है क्या है. मैं 1 week से यूज़ करी हूँ तो मेरे को बहुत ही पसंद आया प्रोडक्ट. और ये देखिए गाइस, तो ये इनका फर्स्ट है जो आया है यहाँ पे. थैंक यू, ठीक है. मदर्स पर्च का है, आप लोग देख सकते हैं. तो जी हाँ गाइस, तो मैंने इसके 2 products ऑर्डर करे थे. एक था फेस वॉश, ये फेस वॉश है इसका, आप देख सकते हैं ये फेस वॉश है. ये प्लांट पावर्ड है, अल्ट्रा रिच फेस वॉश विथ अर्थ मरीन वाटर एंड वनीला ऑयल. तो ये मदर्स पर्च का है, ठीक है. और ये इसका नेट वॉल्यूम है 100 ml. तो ये आपको बहुत ही इंटेंस हाइड्रेशन स्किन और नरिश स्किन देती है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है इस फेस वॉश से. और ये है इसका मॉइस्चराइज़र, ये मॉइस्चराइज़र है. ये 50 ग्राम का आता है नेट वॉल्यूम, इसका नेट वेट 50 ग्राम है. और ये भी सेम उसी का है, मतलब प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस क्रीम है. तो ये मॉइस्चराइज़र है, आप लोग देख सकते हैं. ये मदर्स पर्च का ही है ये भी. तो ये मैंने दोनों लास्ट वीक में ऑर्डर करे थे तो मैं ये लास्ट 1 week से यूज़ कर रही हूँ. तो मेरे को खुद को बहुत ही पसंद आया क्योंकि यू नो तो मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी. तो फिर चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे आता है क्या है. तो गाइस, इसका प्राइस इसका प्राइस 349 है, ठीक है. मैंने 349 का ऑर्डर करा था और इसके साथ फेस वॉश उसका अलग प्राइस है, इसका 375 है. तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे यूज़ करना है. तो ये नेचुरल है, ठीक है. और ये आपके स्किन को भी बहुत ही सूट करेगा अगर आपकी ऑयली स्किन है. अगर आपकी यू नो इसमें एसेंशियल ऑयल्स बहुत है, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यू नो बहुत ही क्लियर इन्होंने मेंशन करा है जो कुछ भी है इनका इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो बहुत ही क्लियरली मेंशन करा है. तो ये बात मेरे को, ये चीज़ मेरे को बहुत ही पसंद आई. तो गाइज, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये देखो गाइज, ये जेल की तरह है, पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट है फेस वॉश. ये नॉन फोमिंग है, इसके लिए आपको फेस वेट करना होगा. तो मैं नो ये लगा के फेस वेट करके आती. तो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फेस वॉश कैसे आपकी स्किन पे काम करता है. मेरे को खुद को बहुत ही पसंद आया, इसका टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ है. तो आपको इसे लेकर नो सर्कुलर मोशन में, ये नॉन फोमिंग है तो आपको इसे लेकर सर्कुलर मोशन में यूज करना है. ये नॉन फोमिंग है, आप लोग देख सकते हैं इसमें से फोम वगैरह कुछ नहीं आ रहा है. तो गाइज,
और मैं अभी फेस वॉश करके आती हूँ और फिर से आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, स्किन पे कैसे काम करता है ये फेस वॉश। मैंने ऑलरेडी मेरा फेस वॉश करा है, आप लोग देख सकते हैं। लोग देख सकते हैं मेरी स्किन, मतलब ये फेस वॉश यूज़ करके बहुत ही सॉफ्ट और नरिश्ड फील कर रही है। मैं अभी इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को बहुत ही पसंद आया, तो मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मेरी स्किन एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव है और ऑयली भी है, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले टेस्ट ज़रूर कराती हूँ, तो करती हूँ खुद नो, क्योंकि हम हाँ, मुझे मेरे स्किन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना होता है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर कोई नेचुरल प्रोडक्ट भी अगर आप लोग यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ प्रोडक्ट पैच टेस्ट ज़रूर करवाइएगा, ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो डायरेक्टली अगर आपने अप्लाई करा तो। गाइज ये था मेरा फेस वॉश करने के बाद की स्किन फेस, आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ग्लोइंग भी लग रही है, स्किन ग्लो भी कर रहा है मेरा फेस, मुझे खुद बहुत ही पसंद आया। आफ्टर स्टॉपिंग दैट स्किन क्राफ्ट, तो मेरे को ये नेचुरल प्रोडक्ट ही ट्राई करना था, तो मैंने ये चूज़ करा। तो गाइज अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं ट्राई कर रही हूँ सेम मदर्स पर्स का, तो ये है प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस क्रीम, तो ये मॉइस्चराइजर है। तो गाइज ये है विथ कोकम बटर एंड लेवेंडर ऑयल, ठीक है। तो इस पे लिखा है यहाँ पे एंटी पिगमेंटेशन एंड इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, तो स्किन टेक्सचर ये सब कॉज ये इम्प्रूव करता है, मेरे स्किन पे काम कर रहा है, तो मेरे को खुद को पसंद आया। तो यस इट वर्क्स इन दैट थिंग, मतलब इम्प्रूव योर स्किन टेक्सचर। एंड गाइज ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है। और गाइज इसकी प्राइसिंग मैंने शायद बता दी आपको, 375 मॉइस्चराइजर की। गाइज मैं आपको दिखाती हूँ अभी इससे, ये कंप्लीट वाइट क्रीम है, वाइट कलर में है ये, देखो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, शायद मैंने ज़्यादा ले लिया, नहीं आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइट क्रीम है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरी स्किन ऑयली है, तो मेरी स्किन को ऑयली प्रोडक्ट्स या मॉइस्चराइजर कोई भी सूट नहीं करता है, तो इससे आपको सर्कुलर मोशन में हल्की सी आपको इसके साथ मसाज करना है आपके फेस पे। इसकी स्मेल भी बहुत ही प्लेजेंट है, मेरे को बहुत ही पसंद है इसकी स्मेल। तो गाइज ये मॉइस्चराइजर है लेकिन क्रीम बेस्ड है, तो लेकिन गाइज ये ग्रीसी या स्टिकी ऑयली नहीं रहता है, ये आपकी स्किन पे एक एक 2 मिनट में कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको बहुत ही लाइट फील कराता है, तो आपको लग ही नहीं रहता है, मतलब आपको लगता नहीं है कि आपने ऑलरेडी कोई मॉइस्चराइजर या कोई स्टिकी चीज़ ऐसी अपनी स्किन पे फेस पे अप्लाई करी है। तो मेरे को ये बहुत ही पसंद आया कि इससे मेरे को कोई पिंपल्स वगैरह नहीं आए हैं, नहीं तो अगर कोई मैं मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करती हूँ तो मेरे को यूजुअली पिंपल्स आते हैं, क्योंकि वो ऑयली रहेगा तो मेरी स्किन पे वेरी इजीली रिएक्ट करता है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस ये बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन में, देखो, और स्किन का टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ हो चुका है, मेरे पोर्स वगैरह उतने ज़्यादा विजिबल नहीं है अभी, पहले पहले थे तो, लेकिन अभी बहुत ही मैंने रिकवर किया है इस सबसे मेरी स्किन को तो नहीं, देखो ये बहुत ही लाइट फील होता है। अगर आप लोगों की सेंसिटिव स्किन है तो मैं इसके लिए भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पैच टेस्ट जरूर करवाइएगा, डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अप्लाई मत करना। एंड गाइस ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस,
और अगर आप लोग ये प्रोडक्ट यू नो मदर्स पर्च के प्रोडक्ट अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये इनके प्रोडक्ट्स मतलब ऑर्गेनिक हैं, और यू नो न्यू बॉर्न बेबी या फिर न्यू मॉम यू नो बेबीज के लिए भी इनके प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं, तो आप लोग अगर चाहिए तो इनकी साइट है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और गाइज तो फिर ये थी आज की वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई देन डू लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा गाइज, एंड येस ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड गाइज अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम चैनल पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं करा है देन प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वहाँ पे मेरा ऑलरेडी गिव अवे स्टार्ट हो चुका है यू नो मेरे 2K सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के लिए इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग जाके मेरे को वहाँ पे फॉलो करना। तो जैसे ही मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 2K कंप्लीट हो जाएंगे मैं कोई एक विनर अनाउंस करूँगी, और जो कुछ भी गिव अवे मैंने वहाँ पे रखा है तो वो आपको वहाँ पे यू नो अपडेट करा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बी सेफ गाइज, बाय।